हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया चैंपियंस। यस, शिफ्ट वन के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो देख लिए होंगे जो जीपैट 2023 में क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी बेस्ड। आज हम यहां पर शिफ्ट टू के, जैसे कि सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आज हम उसके क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। एंड दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चैंपियंस। ये जो क्वेश्चन है बच्चों से लिए गए हैं और उसका फिर एक्सप्लेनेशन आंसर बनाया गया है। हालांकि ऐसा हो सकता है एक आधा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, पर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और केपी शर्मा सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर क्लियर कराएंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपका पहला सेट हुआ था उसके आंसर्स हमने आपको भेज दिए हैं और जो दूसरा सेट है उसके आंसर जो हमारे पास आए क्वेश्चंस उसके बेस पर हम आपको आंसर्स आज देने जा रहे हैं। तो उन्हें देखना आपने कितने सही किए हैं। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन हो इसके अलावा तो आप हमें जरूर भेजें, उसका भी हम आंसर आपको देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, SN1 और SN2 रिएक्शन होती हैं और इनमें नेगेटिव आयन अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट इज नेगेटिव आयन, जैसे OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इस तरह का। इसमें कौन सी रिएक्शन है इसको अच्छी तरह से समझना है। चिची बेबिन रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, ये कौन सी रिएक्शन है आप जानते होंगे, पाइरीडीन, ये है पाइरीडीन, इस पर NaNH2 की रिएक्शन है, NaNH2 की, और क्या बनता है, 2-aminopyridine बन जाता है, ये यहां पर NH2 आ जाता है। तो देखिए ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये हो गया क्या, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये अटैक कर रहा है और कहां कर रहा है, दूसरी पोजीशन पर, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पाइरीडीन से सेकंड पोजीशन से एच हट करके उसकी जगह क्या गया, NH2, जो कि नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए से कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चिची बेबिन रिएक्शन। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2-aminopyridine फ्रॉम पाइरीडीन। इसका आंसर है बी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो फिनोल की और आपका राइमर टीमेन रिएक्शन पर बेस है। अगर आपने नेम रिएक्शन जो हमने कराई थी वो अच्छी तरह से की होंगी तो इसके दो पार्ट थे, एक में NaOH और क्लोरोफॉर्म था जिससे सैलिसिलिकेट बनता है और एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH था जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये फर्स्ट पार्ट वाली रिएक्शन है, फिनोल रिएक्ट विद NaOH एंड क्लोरोफॉर्म, फिनोल की जब NaOH क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होती है, ये हमने पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म तक बताई थी, तो इसमें बनता है पहले स्टेप में मोनोसोडियम सैलिसिलिकेट, यहां CH आता है जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर क्या बना देता है, सैलिसिलिकेट, दिस इज सैलिसिलिकेट, 2-hydroxybenzaldehyde भी कहते हैं, तो 2-hydroxybenzaldehyde, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2-hydroxybenzaldehyde, अगर यहां होता CCl4 तो 2-hydroxybenzoic acid बनता, समझ में आ रही है बात, ये हम करा चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है और इक्विलिब्रियम से है, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों, ये क्या कहता है, अल्फा इज इक्वल टू, इसमें या तो के इज इक्वल टू निकालते हैं, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1-α, इस तरह से निकाल दी, तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होता है, इसका आंसर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइसिस में वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो बहुत कम आयनों में टूटते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ये लागू नहीं होता, इसकी लिमिटेशन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
वीक इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट आता जो उन्होंने बताया होगा, जैसे यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होता है स्ट्रॉन्ग पेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिंग इज प्रेजेंट इन डेनाजोल, ये आइसो ऑक्साजोल, ये आपका इसमें पाया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ये रिंग पाई जाती है उसमें, ये आइसो ऑक्साजोल है, इसका आंसर हो जाएगा आइसो साजोल, ये है जी। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए एपिमर्स और एनोमर्स हमने खूब अच्छी तरह से बताए थे। एनोमर्स होते हैं जब ये आपका है बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल से तीन चार क्वेश्चन आए आपकी बार, बहुत अच्छा वेटेज मिला है, इसको अच्छी तरह से करें। देखिए जो एनोमर्स होते हैं वो होते हैं जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, जो एनोमेरिक सेंटर है ग्लूकोज का, पहला कार्बन एनोमेरिक सेंटर है क्योंकि वहां मेन फंक्शनल ग्रुप CHO है। तो अगर CHO पे वो बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो वो CHOH हो जाता है, तो OH अगर राइट साइड में तो वो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, और OH अगर लेफ्ट साइड में तो बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है, तो ये कहलाते हैं एनोमर्स। लेकिन एपीमर क्या होते हैं, द आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स एट कार्बन एटम अदर देन एनोमेरिक सेंटर। एनोमेरिक सेंटर यानी ग्लूकोज में पहले कार्बन को छोड़ दो, अगर उसके अलावा दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर अगर अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो वो एपीमर्स कहलाएंगे, और पहले कार्बन जो एनोमेरिक सेंटर है तो वो एनोमर्स कहलाते हैं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब ये क्या कह रहे हैं, एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इन फोर्थ पोजीशन। देखिए ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन पे OH होता है नीचे, H होता है ऊपर, अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने बताया था ध्यान हो तो, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज में दे रखा है ये, इसमें ये जो फोर्थ कार्बन है ये पहला कार्बन, दूसरा तीसरा चौथा, ग्लूकोज में चौथे कार्बन पे OH नीचे है H ऊपर है, और यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H है, लेकिन चौथे कार्बन की अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दें हम, क्या चेंज करें, ये वाला यहाँ OH हो जाए, यहाँ H, बाकी सब जगह सेम रहे, बाकी सब जगह इसी तरह का रहे और कहीं कोई चेंज नहीं है, केवल चौथे कार्बन पे चेंज है, तो ये कहलाएगा, ये है बीटा डी ग्लूकोज और ये कहलाएगा बीटा डी गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज हो गया चौथे पे। बीटा क्यों आया, पहले कार्बन पे OH ऊपर है, अगर इसे नीचे कर दें तो अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा, इसमें भी इसे OH को नीचे कर देंगे तो अल्फा डी गैलेक्टोज हो जाएगा, तो दोनों के चौथे कार्बन पर डिफरेंस है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, गैलेक्टोज है ये, तो ये एपीमर है क्योंकि पहले कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, पहले कार्बन पे OH यहां भी ऊपर है यहां भी ऊपर है, दूसरे कार्बन पे भी सेम है, तीसरे पे भी सेम, हाँ अगर दूसरे पे चेंज आ जाता तो वो मेनोज बन जाता, एक ग्लूकोज और एक मेनोज, वो भी ऐसा भी एक क्वेश्चन आया इसमें। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पर, यह डी गैलेक्टोज, अल्फा बीटा दे दे रखे तो आप भी इसे में ही कर देंगे। छठा क्वेश्चन, देखिए अगर आपने हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले देखे होते और या देखे हैं तो आपको यह क्वेश्चन बड़ा सरल लगेगा, ग्लूकोज सुक्रोज, ठीक है जी, आपका स्टार्च C6H10O5 होल एंड, इन सब में अगर देखें ये क्या रेशो है, 2:1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दो गुना, तो 2:1 का रेशो है, 2:1। इतना सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत सरल है ये। अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पर,
सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में आप जानते होंगे क्विनोलिन ये दो रिंग होती है बेंजीन में, जैसे नेफ्थलीन होती है, ये नेफ्थलीन अगर यहां नाइट्रोजन है तो ये क्विनोलिन, और अगर दूसरे कार्बन पर यहां नाइट्रोजन हो जाएगी तो ये हो जाएगा आइसोक्विनोलिन। ठीक है, आइसोक्विनोलिन का अगर आप हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन करेंगे तो दूसरी रिंग में यहां आएगा SO3 सल्फोनेशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर, तो 5 आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, 5 बार सल्फोनिक ग्रुप आया, आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड इसका आंसर बन जाएगा, आइसोक्विनोलिन 5 यानी 5th कार्बन पे। ऐसे मान के चलिए अगर आइसोक्विनोलिन है तो नाइट्रोजन रिंग वाली बेंजीन रिंग का कोई भी वो नहीं होगा, ना नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप इसमें आएगा ना सल्फोनेशन में, बिना नाइट्रोजन वाली रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा, और जनरली इसमें पांचवी और आठवीं पोजीशन ज्यादा एक्टिव है तो पहले पांचवी भरी जाएगी, अगर दोबारा करेंगे तो ये आठवीं पोजीशन भरी जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया, देखो अभी मैं कह रहा था ना अगर सेकंड पोजीशन पर, सेकंड में ग्लूकोज में क्या था, ओ एच नीचे एच ऊपर था, इसे बदल दे ओ एच ऊपर और एच नीचे कर दे तो वो डी मेनोज हो जाता है, डी मेनोज, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी डेक्सट्रोज। देखिए डेक्सट्रोज फ्रक्टोज तो कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये तो हो नहीं सकता, डी ग्लूकोज हो नहीं सकता, ये डी अलग है जी, ये डी ये कायदे से यहां पे आना चाहिए डी ग्लू डी मेनोज, ये डी ये डी ये डी ये डी और स्मॉल डी में अंतर है दोनों में, मैं समझा दूं क्या अंतर है, जो स्मॉल डी है वो डेक्सट्रो रोटेटरी को शो करता है, स्मॉल एल आपका लीवो रोटेटरी को, और ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन बताता है कैपिटल डी जैसे क्लस एनाल्डिहाइड आपने देखा होगा, केवल ये दो कार्बन ही ग्लूकोज फ्रक्टोज इनमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैपिटल डी या कैपिटल एल के लिए, अगर OH राइट साइड में लास्ट वाट वन इस कार्बन पे तो ये कैपिटल डी कहलाएगा, अगर ये OH इधर हो जाएगा तो कैपिटल एल हो जाएगा, OH इधर और H इधर, तो वो कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग है और डेस्ट्रो लीवो के स्मॉल डी और स्मॉल एल, तो इसमें आएगा स्मॉल डी मेनोज चल जाएगा, ये भी आपका मेनोज ही रहना इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी मेनोज रिएक्शन ए एंड बी एंड सी आर रिएजेंट, देखिए अब क्या होता है यहां पे दोनों बी आर जुड़ रहे हैं तो आप जानेंगे ये क्या हो जाएगा, बी आर टू हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, डबल बॉन्ड जहां है दोनों जगह बी आर टू जाएगा, और इसके बाद देखिए अब क्या हुआ, यहां से एक जगह से आपका यहां से क्या हुआ बी आर हटा, यहां से एच हटा, तो ये हो जाएगा एल्कोहलिक के ओ एच, ए एल सी और लिखना चाहिए था, यह लिखा हुआ नहीं है, बी आर टू और एल्कोहलिक के ओ एच ये, और इसके बाद जब ये बन गया तो और इससे भी ज्यादा बढ़िया क्या करेगा, यहां से तो बी आर हटेगा यहां से एच हटेगा और बॉन्ड एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एन ए एन एच टू सोडामाइड, ये सोडामाइड ये एल्कोहलिक के ओ एच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका क्या करेगा फिर से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा, यहां से हाइड्रोजन यहां से हेलोजन हटेगा और एक बॉन्ड फालतू लग जाएगा, तो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, क्योंकि इसका एच हटा इसका बी आर हटा, यहां तो एच रहा नहीं यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया ये आ गया, तो इसका आंसर है आपका ए। आपका देखिए HCl हो नहीं सकता, HCl तो फिर रिएक्शन कर जाता, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन उससे नहीं होगा, तो यही आपका एक ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन है इसका। अब आते हैं हम दसवें क्वेश्चन पर, देखिए ये भी रिएक्शन हमने बताई थी और देखो इसका काउंटर पार्ट आया है फर्स्ट पार्ट में,
सेंड मेयर रिएक्शन आई है फर्स्ट में और गेटर में आ गई इसमें, उसमें क्या होता है CuCl HCl की रिएक्शन होती है बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड पर इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो वो सेंड मेयर है और इन प्रेजेंस ऑफ Cu हो जाएगी तो वो गेटर मैन बन जाती है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था, दोनों में जरा सा न रिएक्टेंट चेंज न प्रोडक्ट चेंज, केवल कैटलिस्ट चेंज करने से रिएक्शन के मतलब नाम बदल गए। सेंड मेयर ने CuCl लिया था Q प्लस क्लोराइड और गेटर मैन ने Cu लेके कर दिया, तो दोनों के अलग अलग नाम हो गए। तो ये है गेटर मैन सिंथेसिस या गेटर मैन रिएक्शन। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पर, क्या है जी, विच ऑफ दी फॉलोइंग अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये कॉलबेज कुछ पूरा नहीं दे रखा, एक होता है कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उससे एल्केन एल्कीन एल्काइन बनते हैं, और एक होती है कॉलबेज सिमिट्री रिएक्शन, वो क्या है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक आप समझिए एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है। उसमें क्या होता है सोडियम फिनेट पर CO2 की रिएक्शन कराई जाती है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है बाद में। और ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि बेंजीन पर या फिनोल पर CH3Cl की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है तो क्या बन जाता है टॉलबीन बन जाती है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और कोरे हाउस सिंथेसिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये भी आपका इस तरह का वो है जी वे। और फिनक्लिस्टीन रिएक्शन है तो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन जो होती है वो SN2 रिएक्शन है, SN2 यानी S फॉर सब्स्टिट्यूशन N फॉर न्यूक्लियोफिलिक 2 फॉर सेकंड ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या है हेलोजन एक्सचेंज होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे ये है RCl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन तो क्या हो जाएगा Cl हट करके I आ जाएगा प्लस NaCl, ये कहलाती है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन और ये SN2 मैकेनिज्म से होती है। SN2 मैकेनिज्म यानी जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है लेकिन उसका ऑर्डर 2 होता है। ये आपका था 11th क्वेश्चन। इसमें अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप हमसे पूछें, हम उसका आंसर आपको देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप, क्योंकि चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब देखिए फ्री रेडिकल का और कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन CH3 फ्री रेडिकल, यानी यहां पे आ जाएगा ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये वाला इससे कम होगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री होगा, ये फ्री रेडिकल, ये हो गया CH3CH2, ये 1 डिग्री होगा और सबसे कम हो गया ये CH3 फ्री रेडिकल। तो ये आपका उसमें हमें जो भेजा था उस तरह का निशान दे रखा था लेस देन, ये टर्शरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम और मिथाइल रेडिकल सबसे कम होता है, ये इसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो हमें पूछें, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।